तो चलो बच्चों, ये वाला बेसिक ग्राफ कन्वर्जन का एक क्वेश्चन है। और इसमें अगर तुम ग्राफ कन्वर्जन इसमें देखोगे तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ इसमें दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से एक्सलेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ से ये वाली चीज़ हमें निकालनी है। तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ जब भी आप पढ़े होगे, तो अगर मैं इधर एक्सलेशन बनाता हूँ, इधर टाइम बनाता हूँ, तो ये वाली जो चीज़ है थीटा, बच्चों ये क्या है? थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा की जो वैल्यू आती है वो ए वाई टी आती है। तो ए वाई टी तुम देखोगे, ए वाई टी तो वैसे एक्सलेशन अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेशन अपॉन टाइम, तो ये तो हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। हालांकि समथिंग कुछ होता है, बट ये अभी यहाँ यूज नहीं होगा। तो स्लोप का यूज नहीं करें, हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ से तुम देखोगे ए से बी तक एक्सलेशन की वैल्यू क्या है? एक्सलेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ए से बी तक एक्सलेशन ए कांस्टेंट है। तो अगर एक्सलेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो एक्सलेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी ई मतलब एक्सलेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी ओवर डीटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्ट एक्सलेशन कांस्टेंट है तो वी टी ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा यार, तभी तो जाके एक्सलेशन कांस्टेंट होगा। टेन थीटा डी बी ओवर डी टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सलेशन देता है। तो ये एक्सलेशन कांस्टेंट आएगा। उसके बाद क्या हुआ है देखो, उसके बाद तुम देख रहे हो एक्सलेशन अचानक से जीरो हुआ। अब कुछ टाइम तक एक्सलेशन जीरो हुआ, तो जब एक्सलेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। तो ये वो टाइम है, ठीक है ना? इस टाइम में जो है एक्सलेशन जीरो हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट। अचानक से देखो दोबारा एक्सलेशन पॉजिटिव है और दोबारा उतना ही मतलब स्लोप लेके बढ़ेगा। मतलब ये वाली जो स्लोप है ये थीटा, ये वही थीटा जो ये थीटा है, ठीक ना? तो मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।